हाय गाइस, नमस्कार गाइस। किसी बड़े समझदार व्यक्ति ने कहा है कि जेलसी द नेम इज वुमन, दैट इज शियर क्रैप। जेलसी हर एक को महसूस होती है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, है ना। हम कोई साधु संत थोड़ी है कि हमें जेलसी फील नहीं होगी। मुझे भी होती है किसी के सक्सेस से, इंटेलिजेंस से, पर्सनैलिटी से, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। भाई वो कहते हैं ना कि दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है ना, और अगर फर्स्ट आ जाए तो दुख का कोई सीमा ही नहीं है। अरे भाई दुख क्यों मना रहे हो भाई, थोड़ा जेलस हो जाओ ना। कीप द फायर ऑफ जेलसी बर्निंग, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको एक गोल मिले उसके जैसी सक्सेस पाने का, है ना। उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं होना तो चाहती हूँ स्लिम, लेकिन उसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये तो हो नहीं सकता फिर मेरी जगह एक्सरसाइज करे और मैं पतली हो जाऊँ, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको जो भी एक लगता है, एक आइडियल है, या जैसा भी आप जो दूसरों को मिल रहा है वो मिल आप चाहते हो आपको मिले, तो उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। कोई भी देख लो, आप अमिताभ बच्चन देख लो, अंबानी देख लो, जो है इनके रास्ते में बहुत सी ऑब्स्टेकल आई, लेकिन तो ऑब्स्टेकल के आ गई तो जीत है ना। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जेलस होते रहिए, बहुत अच्छी बात है। जेलस होएंगे तो आपके अंदर एक फायर होगी कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे लगातार कोशिश करनी है, और तो सफलता किससे जाएगी, आपको सफल होना ही होना है हर हालत में। तो भाई मेरा तो यही है कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, जेलस होते रहो, काम करते रहो और एंड में सफल हो जाओ। बस इतनी सी बात है। थैंक यू वेरी मच। सायोनारा।